सो गाइस आप बहुत दिन से रिकॉर्ड कर रहे हो कि प्लैटिनम के ऊपर एलईडी लगाओ, कौन सी एलईडी लगाओ, मुझे प्रॉपर मिल नहीं रहा था। तो फाइनली मैंने एक एलईडी लाया है जो कि मैंने लोकल मार्केट से परचेज किया और मैंने उसको लगभग 2 महीना चलाई है। इसके बाद मैं ये वाला वीडियो शूट करूँ। आज इस वीडियो में हम प्लैटिनम के ऊपर एलईडी इंस्टॉल करने वाले हैं। ये वाला एलईडी ऐसा इसमें कोई ब्रांडिंग वगैरह है नहीं, बट जो चल सकता है, जो इसका क्वालिटी दे सकता है, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ 2-3 LED का, वो आप परचेस कर सकते हैं। जैसे RTD हो गया, नाइट आई तो बहुत महंगा आता है, 700-800-900 हज़ार रुपये के अंदर बेस्ट LED कौन सा है, मैं लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप देख सकते हो। ऐसा ये मैंने लोकल मार्केट से परचेस किया 650 रुपीज़ में। आपके पास प्लैटिना है, फिर प्लैटिना नॉर्मल 100 cc बाइक है तो उसमें DC आता है, इसमें AC कनेक्शन कट कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी वायर कटने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट प्लग इन प्ले सिस्टम है। तो मैं आपको अगर नॉर्मली दिखाऊँ इसका क्या होता है, ये बाइक DC है तो आप अगर स्विच ऑन करते हो ना यहाँ से तो ये आपका जल जाएगा। देखो नॉर्मली ये आपका हैलोजन बल्ब है, इसका विजिबिलिटी बहुत अच्छा है, जो कंपनी ने इसका जो बल्ब दिया हुआ है ना सिल्वर कलर का, वो बहुत विजिबिलिटी बहुत अच्छा है। बट मुझे करना है LED इसमें, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हो कौन सा LED ले, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक करो, वहाँ से आप कौन सा LED लेना है वो आप देख सकते हो। इसमें देख सकते हो 3 LED है, 1, 2, 3, और इसमें हाई बीम लो बीम सब कुछ काम करता है प्रॉपर तरीके से, देख सकते हो। और इसमें एक्चुअली गाइस इसमें एक फ़ैन भी है तो कूलिंग वगैरह सब कुछ होता रहेगा। मैंने इसको 3 महीना यूज़ किया है, इसका विजिबिलिटी मुझे काफ़ी पसंद आया गाइस, काफ़ी पसंद आया। इसका जो स्टॉक रिफ्लेक्टर है, ये वाला चीज़ देख रहे हो, इसका जो स्टॉक रिफ्लेक्टर है बहुत कारगर है, इसमें जो भी लाइट लगाओगे ना उसका इस रास्ते का स्प्रेड है ना वो बहुत अच्छा होगा। तो चलिए इसमें इंस्टॉल करते हैं LED। तो चलिए आपको पहले ये वाला स्क्रू खोलना पड़ेगा, मैंने बहुत बार ये एक और इस साइड एक, दो स्क्रू खोलोगे तो ये आपका फायर ओपन हो जाएगा। दो स्क्रू ओपन करने के बाद आपको ये वाला फायर ऐसे डाउन कर लेना। देखो जब आप ये वाला चीज़ ओपन करोगे तो सबसे पहले ये वाला कपलर मिलेगा, ये आपका हेडलाइट का होता है, इसे आप निकाल लीजिए प्यार से, बिल्कुल ईजी है, कोई भी कर सकता है ये वाला चीज़, आपको मैकेनिक के पास जाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो आपका कपलर निकल गया और नेक्स्ट आपको काम करना है ये वाला डस्ट कवर। तो जब हम LED इंस्टॉल करेंगे ना तो ये डस्ट कवर लग नहीं पाएगा, तो थोड़ा सा तो रिस्की हो जाता है, भी इसलिए दे रहा था कि इसके अंदर पानी वगैरह वॉशिंग करो ना तो इसमें पानी वगैरह ना जाए। तो ये वाला कवर हम निकाल लेंगे इस तरीके से, ठीक है, और इसको प्रेस करेंगे और थोड़ा सा खींच लेंगे बाहर की तरफ। देखो ये आपका क्लिपिंग निकल गया, पूरी तरह से ओपन करने की जरूरत नहीं है, और ये हमारा आपका हैलोजन बल्ब निकल गया, ठीक है। एक्चुअली ये मैंने चेंज किया है, ये दूसरा कंपनी का है। सो गाइस ये है वो LED, तो एक बार चेक कर लेंगे कि कैसे ये लगने वाला है। तो ये वाला कपड़ा है हम इस तरीके से लगा देंगे, जस्ट डायरेक्ट फिटिंग है वाइज और कुछ नहीं करना है, और एक बार चेक कर लेंगे, बहुत इसका पावरफुल है देख सकते हो, और ये फैन चालू होगा यहाँ से देख सकते हो। मतलब इसका जो पावर है पर्सनली मुझे बहुत ढूंढने के बाद मिला है, लोकल मार्केट परचेज किया है, कंपनी इसका कोई मेंशन नहीं है, बट इसका मतलब आंखों में बहुत चुभता है, मतलब इतना ब्राइटनेस इसका है। तो चलिए इसका अगर मैं आपको साउंड सुनाऊँ, इसका फैन का भी साउंड आ रहा है, तो इसका फैन का भी साउंड आ रहा है, तो इसको बंद करते हैं। सच ये वाला जो आपका डस्ट कवर है वो लग नहीं पाएगा, तो आपको इसके बिना ही लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको ये वाला क्लिपिंग ओपन करना है, नॉर्मल जैसे आप बल्ब चेंज करते हो ना बिल्कुल ईजी है। और यहाँ पे देख सकते हो कि मोटे वाला खाफ है और यहाँ पे 3, 1, 2, 3, तो ये जो आपका ये वाला दिख रहा है ये वाला हिस्सा, ये ऊपर की तरफ आएगा, मतलब इसमें आएगा, ठीक है। तो ये आपका LED फिटिंग हो गया, ठीक है। अब क्लिपिंग कैसे लगाओगे, क्लिपिंग लगाने का देखो ये इसके बीच से आएगा, थोड़ा सा प्रेस करके चला जाएगा, देखो चला गया, और इस वायर को बाहर निकाल लीजिए और ये इसमें फंस जाएगा, देखो तो ये बिल्कुल फंस गया। आप इस LED को थोड़ा अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, कैसे इस LED को एडजस्ट करना है बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने एडजस्ट कर लिया, बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं, मैंने तो इसका जो ये कनेक्शन है इसका जो DRL है वो इसका कनेक्शन ये हटा रखा है, बाकी इसमें प्लैटिनम आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। इसका जो ये वाला स्टॉक है इसमें इस तरह से फिटिंग कर दीजिए, ये हो गया इंस्टॉलेशन डन। तो चलिए वायर को लगा देते हैं। और इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया, सिर्फ एक स्क्रू ड्राइवर से आपका काम हो जाता है,
तो ये वाला कब अभी तो लगेगा नहीं। चलिए इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल तो मैंने कर लिया, अब इसको चले ऑन करके देखते हैं। मैं आपको नाइट का विजिबिलिटी जरूर दिखाऊंगा, जैसे मैं आपको डेमो दिखा रहा हूँ कि बाइक आपको सामने से कैसा लुक दे रही है। देखो ये आपका प्लैटिना, इसमें आपको पासिंग वगैरह सब कुछ काम कर रहा है। आपका पासिंग है ना, इसे तो पासिंग में काम कर रहा है। देखो इसमें सब कुछ काम कर रहा है। नॉर्मली जो जितना भी चीज़ें होते हैं, अपर डिपर देख सकते हो, अपर डिपर सिर्फ नीचे वाला एलईडी एक्टिव, मतलब हाई वे में आपका तीनों ही एक साथ जलेगा। तो चलिए नाइट में आपका क्या विजिबिलिटी आता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। सो ये चलिए नाइट का विजिबिलिटी टेस्ट करते हैं। और ये प्लैटिना कर दीजिए, इतना ज़्यादा ब्राइटनेस देख सकते हो। तो इसको मैं ऑफ कर रहा हूँ, ऑन करता हूँ। और ये लो भी में हाई भी में भी किया नहीं है, जो कैमरा अच्छी तरह से आपको जस्टिफाई कर रहा है। इतना ज़्यादा ब्राइटनेस आपका स्टॉक वाल पे रहेगा नहीं। और इसका आप शो देख सकते हो, बिल्कुल प्रॉपर है, ठीक है। इसका प्लैटिना में आप जो भी लाइट लगाओगे ना तो वो इजीली काम कर जाएगा। इसका डिज़ाइन वगैरह बहुत अच्छा है, स्पीड वगैरह देख सकते हो, पूरा ये वाला जो पूरा है ना, पूरा स्पीड कर रहा है। और अगर मैं इसको पासिंग करूँ ना यहाँ से, देखो पासिंग भी हो रहा है, तो बिल्कुल प्रॉपर है, पासिंग भी हो रहा है। और अगर मैं हाई बीम सब जला के दिखूँ तो ये, अगर मैं आपको सामने से दिखाऊँ ना, कहाँ पे देख सकते हैं सामने से ओवरऑल लुक देख सकते हो, पटना का बहुत अच्छा आ रहा है। और अभी गाइज मैं एक्शन कैमरा का मोटो ब्लॉगिंग सिस्टम में हूँ, तो आई डोंट नो कैमरा कितना जस्टिफाई कर रहा है। बट पहले वाला जो शूट था आपने देखा था वो मोबाइल से कर रहा था, पोको M2 Pro से। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इसका विजिबिलिटी कैसा है। तो विजिबिलिटी आपको निराश नहीं करेगा, जैसे मैं आपको बिल्कुल लोकल में चला के दिखा रहा हूँ। तो ये देख सकते हो बिल्कुल आपके बिल्कुल जेन्युइन वीडियो, कोई भी मैं एडिटिंग कुछ नहीं कर रहा हूँ, जो है सो है। और बात करिए जो बल्ब है, ये बल्ब मुझे लोकली कोई भी ब्रांडिंग वगैरह नहीं है, बट ये 35 ओरिजिनल 35 वाट का बल्ब है, 650 मेरे पास मेरे से लिया है। मैं हूँ हाई रोड पे, देख सकते हो क्योंकि स्पीडिंग वगैरह बहुत अच्छा है, थोड़ा सा डाउन है हाई रोड पे, थोड़ा सा डाउन हो जाता है, बट आपको निराश नहीं करेगा। तो डिस्क्रिप्शन लिंक दे रहा हूँ, आप 45 वाट का बल्ब आती है, 35 वाट का RTD 45 वाट का जो बल्ब आता है वो आप ले सकते हो, निका भी काफ़ी ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन लिंक चेक करो, दोनों का बाय लिंक दिया रहेगा, वो दोनों प्लैटिना के लिए बेस्ट LED है। तो जैसे देख सकते हो स्पीडिंग वगैरह बहुत अच्छी, जैसे मैं लोकल में चला रहा हूँ ना, तो स्पीडिंग वगैरह आपको निराश नहीं करेगा, हैलोजन में आपको इतना विजिबिलिटी नहीं मिलेगा। तो ज़्यादा करो तो आपके वाला वीडियो पसंद आया, वीडियो पसंद हो तो लाइक कीजिए, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए गाइस नेक्स्ट मिलते हैं, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।